वेलकम टू रोशनी की दुनिया। आलू का पराठा हम सभी का फेवरेट होता है, लेकिन बनाना मुश्किल लगता है। तो आज हम ऐसा पराठा बनाते हैं जिसमें आपको ना ही आटा गूंथना पड़ेगा और ना ही इसे बेलना पड़ेगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिया है, इसे हम घिस लेंगे। आप इसे मैश भी कर सकते हैं, पर घिस के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से घिस लिया है। इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है। कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे अच्छा कलर के लिए, जीरा डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे हम 1 स्पून से मिलाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर बना लेंगे। हमें इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करें। हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा बैटर इस तरह से दिख रहा है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बनाने चलते हैं। यहाँ पर हमारा तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैंने ये नया ऑयल बॉटल लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑयल को हम चारों ओर फैला लेंगे। इस पर हम बैटर को डालेंगे। हमें जितना बड़ा पराठा चाहिए उतना फैला लें। हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। इसे हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, इसे पलट देंगे। दूसरे साइड भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से दबा देंगे जिससे कि यह अच्छी तरह से सिक जाए। यहाँ पर हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पराठों को भी बना लेंगे। इसके साथ खाने वाली चटनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन को छील के ले लिया है। हम इसे बारीक कूट लेंगे।
इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, इसे हम चला देंगे। हम कुटनी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए हमारी झटपट वाली चटनी बनकर तैयार है। आप इसे बनाओ, खाओ और पूरे परिवार को खिलाओ।